एक तस्वीर देखिए, क्योंकि एंटी टैंक माइन की चपेट में आए रूसी टैंक की यह तस्वीर सामने आई है इस वॉर फ्रंट से, जहां खार्किव में रूसी टैंक पर हमले को अंजाम दिया गया। और आपको बता दें, एक दिन में 9 रूसी टैंक को तबाह करने का यूक्रेनी फोर्स दावा कर रही है। अब इस वॉर फ्रंट में लगातार जिस तरीके से यूक्रेनी सेना की तरफ से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, फिलहाल ये रूस के T-90 टैंक पर हुए हमले की तस्वीर है। और यूक्रेन की खार्किव से आई इस तस्वीर के साथ दावा यह किया गया कि लगातार हमलों में रूसी टैंक पर हमले हुए और एक दिन में 9 रूसी टैंक को तबाह कर दिया गया। अब रूस के कुर्स में भी यूक्रेनी सेना के ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर खबर आई है, जहां ब्रैडली कॉम्बैट व्हीकल के साथ ग्राउंड अटैक और अमेरिका से मिले ब्रैडली व्हीकल के इस्तेमाल को लेकर खबर है। पुशमास्टर से हमला कर रही यूक्रेनी सेना की ये तस्वीर देखिए। और सुसाइड ड्रोन से बाल बाल बचे रूसी सैनिक की भी तस्वीर सामने आई, जहां ड्रोन पर मशीन गन फेंक कर कैसे जान बचाई गई वो देखिए। ये डोनेस्क में रूसी काफिले पर ड्रोन अटैक की तस्वीर है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, क्योंकि यहां सुसाइड ड्रोन से रूसी सैनिक कैसे बाल बाल बचा, ये ड्रोन पर मशीन गन फेंक कर जान बचाई। इस वॉर फ्रंट से आई वो तस्वीर आपके सामने है, जहां देखिए किस तरीके से रूसी टैंक को टारगेट करते हुए अब यूक्रेनी फोर्स भी बड़े दावे कर रही है कि किस तरीके से वो हमलों को अंजाम देते हुए रूस के इन टैंक्स को तबाह करने में कामयाब रहे। वहीं सुसाइड ड्रोन से बाल बाल बचे रूसी सैनिक की यह तस्वीर, जहां मशीन गन फेंक कर जान बचाई गई और ये मशीन गन फेंकी गई ड्रोन के ऊपर। तो फिलहाल अलग अलग इस वॉर फ्रंट से आई वो तस्वीरें आपने देखी, जहां हमलों को किस तरीके से ग्राउंड पर अंजाम दिया जा रहा है, किस तरीके से लगातार हिजबुल्ला के गढ़ में हमलों का अंजाम देते हुए दायरा बढ़ता जा रहा है उसको लेकर सवाल कर रहे थे। वहीं ये साफ हो गया कि किस तरीके से रूस और यूक्रेन के इस वॉर फ्रंट में भी यूक्रेनी फोर्स की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और हिजबुल्ला के गढ़ में अभी तक जिस तरीके से दायरा बढ़ रहा है उसको लेकर सुमित से ये सवाल किया गया कि आखिर किस तरीके से इस वॉर फ्रंट में इजराइल अब आगे स्ट्रैटेजी बनाते हुए सीधे लेबनन पे हमलों के साथ साथ अब ईरान पर हमलों की तैयारी में भी है। और इस वक्त आपको बता दूं, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड विनोद अगस्तीन सर के साथ साथ अशोक सज्जनार सर भी फॉर्मर एम्बेसडर मेरे साथ हैं, उनसे भी इसको लेकर करूंगी सवाल। लेकिन उससे पहले एक और तस्वीर, और यह तस्वीर है इजरायली हमलों से पहले लेबनन की, जहां पर अब एक बार फिर से तायरे में हुई तबाही की वो तस्वीर देखिए, जहां IDF ने हिजबुल्ला के गढ़ को ध्वस्त कर दिया है और हिजबुल्ला के बड़े वेपन स्टोर को तबाह करने का किया जा रहा है दावा। हिजबुल्ला के कमान सेंटर में मची भारी तबाही की ये तस्वीर। अब यहां पर हो रही बमबारी के बीच इजराइल जिस तरीके से इस इलाके पर स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस को देखते हुए हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, उसमें दावा यह किया जा रहा है कि रिहायशी इलाके भी इसकी चपेट में आ गए हैं। लेकिन अब दावा यह भी IDF कर रही है कि ये वो रिहायशी इलाके हैं जो एक सेफ ऑपरेटिंग सेंटर्स बन चुके थे, यानी हिजबुल्ला के वो कमांड सेंटर जहां से ये ऑपरेट कर रहा था। यही वजह है कि इन रिहायशी इलाकों को भी अब टारगेट किया गया है। तो लेबनन पर जिस तरीके से अटैक किए जा रहे हैं, अब ये तायरे में हुई तबाही की भी एक साथ चार तस्वीर आपके सामने, क्योंकि यहां भयंकर बमबारी को अंजाम दिया गया है। बमबारी उन इलाकों में हो रही है जो रिहायशी इलाके बताए जा रहे हैं, लेकिन ये वो रिहायशी इलाके हैं जो हिजबुल्ला के
ठिकाने बने हुए थे। वेपन स्टोर्स को भी यहीं पर नष्ट करने का दावा किया जा रहा है और लेबनन में हिजबुल्ला के गढ़ को जिस तरीके से तबाह किया जा रहा है उसके तहत इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि तायरे में ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं जहां 70 इलाकों पर हमलों को अंजाम दिया गया है और इजरायली बमबारी में दर्जनों इमारतों के तबाह होने के बाद की एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां हिजबुल्ला के कमांड सेंटर को ध्वस्त करने का दावा, एक इमारत में मौजूद वेपन डिपो पर तबाही और हिजबुल्ला का बड़ा गढ़ माना जा रहा तायरे जिस तरीके से फिलहाल यहां टारगेट पर है, रिहायशी इमारतों के बीच हिजबुल्ला की मौजूदगी को लेकर दावा और हमले से पहले इजरायल ने लोगों को बकायदा चेतावनी भी दे दी थी। अब विनोद सर सवाल आपसे, ये सवाल मैंने सिन्हा सर से भी इसलिए किया था कि क्या उन ऑब्जेक्टिव्स को ये अचीव करने में कामयाब रहे हैं, क्योंकि सुमित ने बताया कि इस लोकेशन की स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस बहुत है। क्या ये एक और अगला लेवल समझे इसराइल के उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हुए जहां वो ये चाहता है कि इस पूरे एरिया को वो एक तरीके से जल्द बफर जोन बना सके? बहुत अच्छा सवाल है सुरभि जी, और मैंने इसलिए इमेज आप मेरे पीछे लगाया हुआ है। देखिए, साउथ लेबनान गाजा स्ट्रिप की तरह नहीं है, बहुत ही पहाड़ी इलाका है। उस साउथ लेबनान में जैसे जनरल साहब ने बताया टायर इलाका भी आता है और ये जो बेका वैली का जो सदर्न पोर्शन है वो भी आता है, बालबेक रीजन उस एरिया में ही आता है और यहाँ पे टनल नेटवर्क एक आम बात है। यूनिफिल का प्रेजेंस भी इस पूरे चीजों को थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देता है और यूनिफिल आपने देखा भी था, यूनिफिल के जो लोकेशंस हैं उस पर भी इसराइल ने अटैक किया है। तो ये किसी को ये समझना कि गाजा स्ट्रिप की तरह साउथ लेबनान एक वॉक ओवर होगा वो बिल्कुल ही गलत होगा। और इस एरिया पे नियंत्रण पाना या बफर जोन बनाना आज नहीं, बहुत पहले से ये कोशिश करते आ रहे हैं इजरायलीज और इसमें हमेशा ही नाकाम रहे हैं। इस बार भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये नाकामियत और बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी, क्योंकि ये एरिया बिल्कुल इसराइल के साथ सटा हुआ है और यहाँ से इसराइल में दाखिल होना टेरेन ऐसा है कि बड़ा आसान हो जाता है। तो ये एरिया को बमबारी करके कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि ये लोग फॉल बैक करेंगे नॉर्थ की तरफ या सेंट्रल लेबनान की तरफ और फिर इस तरफ आ जाएंगे। अमित सुमित ये जगह पैदल जा चुके हैं, ये वेरी बात को पुष्टि जरूर करेंगे। It's not easy to get control over South Lebanon. It's not easy to get the control. But what will Israel achieve then?